नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। क्राइम ब्रांच टीम ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि कई सालों से धर्म परिवर्तन कर बेगम बाग कॉलोनी में रह रहा था। आरोपी ने धर्म परिवर्तन के बाद पूर्व के नाम और दस्तावेजों के माध्यम से विभिन्न बैंकों से लाखों रुपए का लोन ले रखा था, जिसके खिलाफ कोर्ट की ओर से स्थायी वारंट जारी किया गया। आरोपी ने धर्म परिवर्तन के बीच 3 महिलाओं से निकाह भी कर लिए। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी रामेश्वर पाटीदार ने हिंदू से मुस्लिम बनकर जुर्म को अंजाम दिया। ऐसा उसने इसलिए करा कि उसको मूल रूप से कोई पहचान न सके। इस आदमी की सबसे पहले शादी देवास जिले की हाट पिपलिया की रहने वाली हिंदू महिला ताराबाई से हुई थी। बाद में उसकी पहचान मेहराज बी नाम की एक मुस्लिम महिला से हो गई जो कि हाट पिपलिया की ही रहने वाली थी। यह महिला इस आदमी से तंग आकर उज्जैन चली आई, लेकिन रामेश्वर को जब पता चला कि मेहराज भी उज्जैन आ गई हैं, तो इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और अपना नाम रहमतुल्ला रखकर बेगम बाग में रहने लगा और बहला फुसला कर इस महिला से शादी कर ली। इसके बाद 1985 में आरोपी ने मेहराज बी की बेटी चांद बी का निकाह फाजलपुरा के इस्लाम अंसारी से करवा दिया। इसी बीच इसकी नियत चांद बी पर भी खराब होने लगी और पति से तलाक करवा दिया। रामेश्वर ने खरगोन की रहने वाली एक अन्य महिला से निकाह कर लिया। बाद में इसने महिला पर चारित्रिक आरोप लगाकर उसे तलाक दे दिया और मेहराज बी की लड़की, जिसे ये मुंह बोली भांजी बताता था, उससे निकाह कर लिया। अब रामेश्वर से रहमतुल्ला बने इस आदमी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। इसने 2007 में सुभाष पेड़ी व नागरिक सहकारी पेड़ी से रामेश्वर पाटीदार के नाम से ऋण लिया। इन मामलों में ऋण नहीं चुकाने पर रामेश्वर पाटीदार के खिलाफ मामला कोर्ट पहुंचा। नागरिक सहकारी पेड़ी मामले में आरोपी को 1 साल की सजा व 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि सुभाष पेड़ी मामले में स्थायी वारंट जारी किया गया। इन्हीं मामलों में पुलिस आरोपी को तलाश कर रही थी। इन सब बातों का नतीजा यह निकला कि जब पुलिस बताए पते पर आरोपी की खोजबीन करती तो वह अपने आप को रहमतुल्ला बताता था और बच जाता था। ऐसे में पुलिस इस आरोपी को पिछले 11 सालों से तलाश कर रही थी। अब जाकर वह पुलिस के हत्थे चढ़ा। कल उज्जैन क्राइम ब्रांच की टीम ने काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद एक रामेश्वर पाटीदार उर्फ जो है रहमतुल्ला नाम का व्यक्ति है, उसको पकड़ा है। उस पर उसने शासन से, सोसाइटी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से काफ़ी मात्रा में लाखों रुपए का लोन ले रखा था और उसका स्थायी वारंट जो है कोर्ट से जारी था। चिमनगंज पुलिस के पास और महाकाल पुलिस के पास एक एक वारंट था और वो रहने वाला मूलतः देवास जिले के हाट पिपलिया थाने का था और वहाँ उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी किया था। बाद में उसने जो है मुस्लिम दोस्त के साथ दोस्ती होने के बाद वो उज्जैन में यहाँ बेगमगंज में सेटल हो गया था और वहाँ पे उसने, जो जानकारी अभी तक हमारी है, उसने 3 मुस्लिम महिलाओं से निकाह किया था उससे और नाम बदल कर यहाँ रह रहा था वो लगातार। और पुलिस जो है इस कारण से जो है उसको कभी पकड़ नहीं पाती थी, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी उसकी लगातार हमने तस्दीक करी और कल रात को हमने उसको जब उठा के पूछताछ किया तो उसने कबूल किया कि मैं जो है रामेश्वर पाटीदार हूँ और इतने सालों से यहाँ पर नाम बदल के रह रहा। आज उसको हमने उस स्थायी वारंट जो चिमनगंज का है उस पर से हमने उसको माननीय न्यायालय में पेश किया है और बाकी आगे की भी कार्रवाई हम उसमें जांच के उपरांत करेंगे। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। और फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।